नमस्कार, जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, वर्तमान समय में विचार विनिमय के अनेक साधन हैं। टेलीफोन है, कंप्यूटर है, नेट है, इसके द्वारा व्यक्ति कभी भी किसी से भी बात कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में भी पत्र लेखन का अपना ही महत्व होता है। व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लेखन का ही सहारा लेता है। पत्र लिखते समय कई सारी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। औपचारिक पत्र लेखन समय भाषा आपकी औपचारिक होनी चाहिए, भाषा आपकी सरल और बोधगम्य होनी चाहिए, संवाद छोटे होने चाहिए, विचार और भाव के अनुकूल होना चाहिए। तो आज हम पत्र लेखन के संदर्भ में पढ़ेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा है, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। पहला आपका है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कार्यालय कार्य हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कि हम अपने बंधु बांधव को, अपने माता पिता को, अपने मित्रों को लिखते हैं, वे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप क्या होता है, प्रारूप अर्थात फॉर्मेट। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि औपचारिक पत्र का फॉर्मेट या पत्र लेखन का प्रारूप क्या होता है। औपचारिक पत्र प्रारूप ठीक है। औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम हम लिखेंगे सेवा में, ठीक। उसके नीचे पद का नाम और संस्था का नाम लिखा जाता है। जैसे यदि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिखिए, इसके नीचे आपको पद का नाम लिखना है, और उसके नीचे संस्था का नाम, संस्था का नाम। आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो हम इस यहां पे लिखेंगे प्रधानाचार्य, यदि हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो उस अधिकारी का के पद का नाम। फिर हम यहां संस्था का नाम लिखेंगे, जैसे सनबीम एकेडमी, ठीक। तो सर्वप्रथम हम पद का नाम लिखेंगे, फिर हम संस्था का नाम लिखेंगे, इसके पश्चात हम एक लाइन यहां पर छोड़ देंगे, फिर हम विषय लिखेंगे। विषय संक्षिप्त होने चाहिए, और जिस भी विषय पर आप
वह आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, फिर हम लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि पंक्ति हो गई। इसके बाद आप पूरा विषय यहां पर लिखेंगे, समझ में आ गया। फिर हम अंत आप करेंगे यहां पर, ठीक। इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर जो प्रेषक होता है, जो ये पत्र लिख रहा है, यदि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो अब आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। यदि आप किसी कार्यालय को लिख रहे हैं तब आप लिखेंगे भवदीय, ठीक है। उसके नीचे आप लिखेंगे क ख ग, समझ आ गया। भवदीय, भवदीय के बाद आप लिखेंगे क ख ग, फिर एक लाइन आप छोड़ देंगे, फिर आप लिखेंगे दिनांक। बच्चों प्रयास ये कीजिएगा कि आप जो भी दिनांक लिखिएगा वह हिंदी भाषा में होनी चाहिए। जैसे आज है 26 सितंबर, तो आज हम दिनांक लिखते हैं 26 सितंबर 2020, ये आज का दिनांक है, समझ आया। तो जब भी आप लिखिएगा तो दिनांक लिखते समय ये प्रयास कीजिएगा कि आप हिंदी में ही दिनांक लिखिएगा। अब हम देखते हैं, ये आपका औपचारिक पत्र का ये प्रारूप है। अब हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखते हैं। पहला आपका था, ये अभी आपने देखा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है। अनौपचारिक पत्र प्रारूप, ठीक। अभी हमने देखा कि औपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है, अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम हम पता लिखते हैं, जो प्रेषक होता है, जो लिखता है पत्र, उसका पता लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिए दिनांक। दिनांक में यही बात जो आपके औपचारिक पत्र में मैंने बताई थी, वही चीज आप यहां भी प्रयुक्त करेंगे, अर्थात हिंदी में आपको यह दिनांक लिखना है। फिर यहां पर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहां पर आप संबोधन, अर्थात आप किसको पत्र लिख रहे हैं, माता जी को पत्र लिख रहे हैं, मित्र को पत्र लिख रहे हैं। अगर यदि आप माता जी को या पिता जी को, अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, तो आदरणीय माता जी, पिताजी, अग्रज, ऐसे लिखेंगे। यदि आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तब आप यहां पर देंगे प्रिय मित्र। इसके नीचे आता है अभिवादन, इसके नीचे आपका अभिवादन। यदि आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सादर चरण स्पर्श, यदि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे स्नेह। फिर इसके नीचे आपका पूरा पत्र का विषय होना चाहिए। अंत में आप लिखेंगे आपका,
यदि आप बड़ों को लिख रहे हैं तो आपका, यदि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा, फिर प्रिय मित्र, ठीक, तुम्हारा, आपका या तुम्हारा प्रिय मित्र। तो ये है आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखते समय आप प्रारूप पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। पत्र लेखन। आज विचार विनिमय के लिए फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि अनेक साधन हैं। फिर भी पत्र लेखन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भावों की अभिव्यक्ति के इस माध्यम से हम जहां चाहे पहुंच सकते हैं। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपने कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। फिर हम जानते हैं कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में अपने भावों की अभिव्यक्ति संक्षेप में करनी चाहिए। पत्र के शुरू में ही सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का प्रारंभ और अंत अत्यंत प्रभावी होना चाहिए या प्रभावपूर्ण होना चाहिए। पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता अवश्य होनी चाहिए। पत्र में लिखने वाले का पता तथा पाने वाले का पता साफ और सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, इसे व्यावसायिक अथवा कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। यदि आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वह इसी श्रेणी में आता है। इन पत्रों का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं वरन पद से होता है। इसी कारण इन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायत पत्र, कार्यालय संबंधी पत्र। फिर आपका आता अनौपचारिक पत्र। ये पत्र हम अपने मित्रों को और संबंधियों को लिखते हैं। इन पत्रों में हमारी व्यक्तिगत बातें होती हैं, अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, बाबा चाचा तथा मित्रों आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। फॉर्मेट मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताया था, एक बार आप यहां पे भी देख लीजिए। सेवा में दूसरी पंक्ति आपकी प्रधानाचार्य पद या अधिकारी का नाम,
तीसरा आपका कार्यालय या संस्था का नाम और पता होता है। एक लाइन आप बीच में छोड़ेंगे। फिर आपका आता है विषय। विषय हमेशा जिस बारे में आप पत्र लिखना चाहते हैं उसका विषय लिखिए और संक्षिप्त में लिखना चाहिए। महोदय या महोदया संबोधन और पूरा विषय लिखना चाहिए। फिर आपका होता है सधन्यवाद। भवतीय या आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा लिखने वाले का नाम और दिनांक। ये आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। अब आपका आता है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे ऊपर आप लिखेंगे प्रेषक का पता, ठीक है। उसके बाद दिनांक, संबोधन लिखे करेंगे। संबोधन आदरणीय, प्रिय, कुछ भी कर सकते हैं। अभिवादन करेंगे और कुशल क्षेम ज्ञापन, अर्थात आशा करता हूं कि आप सुखी स्वस्थ होंगे, आशा है कि तुम्हारी परीक्षा कुशल संपन्न हुई होगी, और पूरा मुख्य विषय आप लिखेंगे। उसके नीचे आप संबंध का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया कि आपका या तुम्हारा प्रिय मित्र या प्रिय पुत्र, और अपना नाम यानी यहां पर आप क ख ग लिखेंगे। ये आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। एक पत्र देख लेते हैं, एक औपचारिक पत्र देखते हैं और एक अनौपचारिक पत्र देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी दिल्ली पब्लिक स्कूल नई दिल्ली, एक लाइन छोड़ेंगे। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में 14 सितंबर को स्वरचित कविता, कहानी और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में आप अपने विद्यालय से कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को भेजकर प्रतियोगिता को सफल बनाएं। उसके बाद एक लाइन छूटेगा, सधन्यवाद। भवदीय या आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, क ख ग और दिनांक आपका हिंदी में। फिर आगे देखिए, अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं। परीक्षा भवन, मैंने कहा था प्रेषक का नाम, तो परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन भी आप लिख सकते हैं या प्रेषक का पता लिखा जाता है। नई दिल्ली, ये किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है? अत्यधिक फैशन से बचने के लिए प्रेरणा देते हुए छोटी बहन को पत्र लिखा जा रहा है। फिर दिनांक आप हिंदी भाषा में लिखेंगे। प्रिय स्नेहा, स स्नेह आपकी छोटी बहन है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिय और उसका नाम, और उसको हम क्या देंगे? अभिवादन क्या करेंगे? स्नेह। आशा करती हूं कि तुम स्वस्थ व प्रसन्न होगी। कल ही तुम्हारे छात्रावास के अधीक्षक से एक पत्र पिताजी को प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर उन्हें बहुत चिंता हुई। पत्र में उन्होंने लिखा है कि तुम आजकल अपना बहुत सा समय फैशन में लगा देती हो। फैशन ऐसी प्रवृत्ति है जिससे हमारा मनोबल और संस्कार भी बह जाता है, इसलिए इस प्रवृत्ति को त्याग कर सादा जीवन अपनाओ। आशा है भविष्य में तुम ऐसी शिकायत का अवसर नहीं दोगी। तुम्हारी दीदी, ठीक है। ये आपके अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। जब भी आप पत्र लिखेंगे तो ये निम्नलिखित बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में अपने भावों की अभिव्यक्ति संक्षेप में करनी चाहिए। पत्र के शुरू में, प्रारंभ में सही संबोधन
तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे देखिए और क्या करना चाहिए। पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का प्रारंभ और अंत अत्यंत प्रभावी या प्रभावपूर्ण होना चाहिए। पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता अवश्य होनी चाहिए। पत्र में लिखने वाले का पता तथा पाने वाले का पता साफ व सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। एक बार हम पुनः इसके प्रारूप को देख लेते हैं। औपचारिक पत्र जो होता है वह कार्यालय पत्र होता है, शिकायती पत्र होता है, वह किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, उसके नीचे पद या अधिकारी का हम नाम लिखते हैं, उसके नीचे हम लिखेंगे कार्यालय या संस्था का नाम और पता। ठीक है, सबसे पहले हम अधिकारी का नाम, पद का नाम लिखेंगे, ये क्योंकि औपचारिक पत्र किसी व्यक्ति से को संबोधित नहीं किया जाता है, वह एक पद के लिए लिखा जाता है, इसलिए औपचारिक पत्र का ये प्रारूप होता है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आप लिखेंगे विषय। ठीक है, विषय संक्षिप्त लिखिएगा, एक पूरे वाक्य में आपका विषय स्पष्ट होना चाहिए, जो कि आपने आगे के उदाहरण में हमने स्पष्टता से देखा। फिर आप लिखिएगा महोदय या महोदया, संबोधन कीजिएगा जिसको आप लिख रहे हैं महोदय। फिर पूरा पत्र लिखिएगा कि हमें ये समस्या है, या हमारे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो हमारे विद्यालय में ये समस्या, इस तरह से जो भी है, जिस भी विषय पर पत्र होता है आप उसका पूरा विषय वस्तु ध्यानपूर्वक लिखिएगा। उसके बाद आप लिखिए, लाइन नहीं छूटेगी, लिखा जाएगा सधन्यवाद। उसके पश्चात एक लाइन छोड़ दीजिएगा, लिखने वाले का नाम, यदि आप छात्र हैं प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, यदि आप किसी कार्यालय को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे भवदीय, क ख ग नाम नहीं लिखा जाता है, क ख ग ही लिखना चाहिए। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे, फिर हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक कर लिखते समय ये याद रखिएगा कि दिनांक आप हिंदी के अक्षरों में ही लिखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का क्या प्रारूप है। अनौपचारिक पत्र अपने जैसे मित्र को लिखा जाता है, अपने माता पिता को लिखा जाता है, अपने अनुज को लिखा जाता है, अपने से बड़ों को लिखा जाता है, जो कि हमारे सगी संबंधी होते हैं, तो वह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। सबसे पहले ऊपर आप प्रेषक का पता, ये आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, अपना पता भी लिख सकते हैं, जो कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहां पर लिखना होता है। फिर आप दिनांक लिखेंगे, दिनांक लिखते समय भी वही ध्यान रखिएगा कि आप हिंदी के अक्षरों का प्रयोग कीजिएगा। फिर आप लिखेंगे संबोधन, यदि आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आदरणीय, यदि आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय, यदि आप अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो भी आप लिखेंगे प्रिय। इसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन अर्थात जब आप किसी बड़े को पत्र लिखते हैं तब आप लिखेंगे सादर चरण स्पर्श, यदि आप अपने अनुज को पत्र लिख रहे हैं, यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तब आप लिखेंगे स्नेह। इसके पश्चात आपका आता है कुशल क्षेम ज्ञापन, अर्थात आप आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे और आशा है कि आप अच्छे से होंगे, आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो गई होंगी, आशा है कि तुम अच्छे से छात्रावास में रह रही होगी, तो यहाँ पर उनका कुशलता पूछा जाता है। फिर आपका पूरा विषय आप लिखेंगे और समापन आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद संबंध,
जैसे यदि आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आपका या तुम्हारा प्रिय पुत्र, ठीक है। यदि आप तुम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो तुम्हारा प्रिय मित्र, और फिर यहां पर नाम लिखा जाता है। नाम की जगह आप क ख ग लिख सकते हैं, नाम लिखने की जगह आप क ख ग घ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हमने उदाहरण देखा और एक आपका रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखा था और अत्यधिक फैशन से बचने के लिए छोटी बहन को पत्र लिखा गया था, और दोनों ही पत्रों के माध्यम से, प्रारूप के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि हाँ कैसे पत्र लिखा जाता है। तो बच्चों, पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय वह शिकायती पत्र भी हो सकता है, वह प्रार्थना पत्र हो सकता है, वह कार्यालयी पत्र हो सकता है, वह किसी भी प्रकार का पत्र हो सकता है। ये सारे औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र कभी भी व्यक्ति के लिए नहीं लिखा जाता है। औपचारिक पत्र हमेशा पद से संबंधित होता है। अनौपचारिक पत्र व्यक्ति से संबंधित होता है। जैसे यदि आप अपने माता पिता को पत्र लिखते, अपने अनुज को पत्र लिखते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, तो यह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। बच्चों, पीडीएफ के माध्यम से आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भेजा जाएगा। प्रारूप को देखकर आप अभ्यास कार्य स्वयं पूर्ण करेंगे। हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका, आपका लेखन स्पष्ट होना चाहिए, आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखन का जो प्रारूप है उसे ध्यान पूर्वक समझकर तब आप अभ्यास कार्य के प्रश्न को स्वयं पूर्ण कीजिएगा। आशा है कि आपको पत्र लेखन पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।